अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहज़ाद शकील, आपको अपने चैनल पे वेलकम बैक करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस देख रहे होंगे। अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो आपको बताता चलूँ कि हमारा चैनल जो है एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पर मैं आपको लेक्चर्स देता रहता हूँ, जो 9th के होंगे, 10th के होंगे, 11th 12th के होंगे। आप जो चूँकि 9th के बच्चे होंगे, तो 9th के बच्चे देख रहे हैं ये चैप्टर 1 के, फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के मैं न्यूमेरिकल आपको कराने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह उस डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि आपके 9th के मैंने मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं, मैथ 9th मैथ का प्लेलिस्ट देकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्लास आपके पास है 9th। इस बार मैं फिजिक्स का लेक्चर देने जा रहा हूं, फिजिक्स जो है चैप्टर नंबर आपके पास होगा 1। आप अपने पास बुक रख रहे हैं, बुक में से आप देख सकते हैं कि मैं कौन सा न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1.1 है आपके पास। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि आपके पास मंदरजा ज़ैल मकदारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर करें। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आपके पास न्यूमेरिकल दोनों सेम मेथड के होते हैं, इसमें मसला नहीं है। सबसे पहले आप प्रीफिक्सेस देखेंगे, प्रीफिक्सेस हैं क्या, याद रखें। आपके पास अगर कोई भी लेंथी मकदार आ जाती है, क्वान्टिटी आ जाती है, तो हम उसको जो है 10 के मल्टीपल्स लिखते हैं। फिर उन 10 के मल्टीपल्स को हमने एक नाम दिया हुआ है, जिनको हम उसके यूनिट के साथ लिख देते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि 5000 ग्राम है, इसको आपने प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, हमने ये चीज़ देखनी है। 5000 ग्राम को हमने प्रीफिक्स लिखना है, तो हम क्या काम कर लेते हैं, सॉल्यूशन में आप देखें 5000 जितने भी ज़ीरो होंगे हम उसको 10 1 के साथ लगा देते हैं। अगर हम 5 मल्टीप्लाई विद 1000 करें तो वो दोबारा 5000 बन सकता है। अब इस 1000 को हम लिख सकते हैं, याद रखें इसको जितने भी ज़ीरो होंगे 10 की पावर उतना लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा 1000 है, अगर हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। इस 10 की पावर 3 की जगह आपने क्या यूज़ करना है, ये सारे ग्राम में आ रहे हैं। ठीक है, ये प्रीफिक्स अब यहाँ पर आपने लगाना है। 10 की पावर 3 आपके पास टेबल में होगा, 10 की पावर 3 को आप लिखते हैं किलो। ठीक है, तो ये किलो के लिए यूज़ होता है, जिसको हम के से ज़ाहिर करते हैं। किलो अगर लिखूँ मैं, जिसको हम प्रीफिक्स में अगर यूनिट के साथ लिखें तो वो के हो जाता है। तो आप इस 10 की पावर 3 को हटाकर लिख सकते हैं 5 kg। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चंस का। सीधा हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास बी पार्ट है, वो कहता है 2000 3060 है आपके पास, वाट है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास बनता है 20 लाख। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 जितने भी ज़ीरो होंगे इसको ख़त्म करना है, आपने 10 की ताकत बना देना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो अलहदा से 10 भी बना सकते हैं, 0000 जितने भी ज़ीरो होंगे उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई भाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पावर, जितने ज़ीरो होंगे उतने 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हैं कि 10 की ताकत 6 हो जाएगा। ठीक है, वाट साथ में आता रहेगा। अब आपने 10 की ताकत 6 को हटाकर प्रीफिक्स लगाना है, तो 10 की ताकत 6 किसके बराबर होता है, आपको मालूम होगा 10 की ताकत 6 होता है मेगा के बराबर। तो इसकी जगह आप मेगा या एम कैपिटल लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल एम जो होगा वो आपके पास मेगा को शो करता है, तो आप इसकी जगह लिखेंगे MW, मेगा वाट। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा इसका, कि अगर हम प्रीफिक्सेस की शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये चीज़ बन जाती है आपके पास। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन जो इसका पार्ट सी है, 5 2 × 10⁻¹⁰ kg। ठीक है, किलोग्राम, इसको थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास आपने क्या काम करना है, 5 2 10⁻¹⁰ है,
इस के को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ये हो जाएगा ग्राम में चेंज, क्योंकि आपको पता है के की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, पहले भी पढ़ा दिया है हमने। फिर हम क्या काम करेंगे, जब बेस एक जैसे हो तो पावर जो है ऐड हो जाते हैं, हम इनको ऐड कर दें तो -10 + 3 हो जाएगा, 10 को एक बार लिखेंगे। जब ज़र्ब हो रहे हो तो बेस एक जैसे होने के बाद बेस को एक दफ़ा लिखते हैं 10, और ताकते जमा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 × 10⁻¹। ठीक है, ये ग्राम में अब आ गया आपके पास। आप देखेंगे कि 10⁻¹ तो आपके पास प्रीफिक्सेस में कुछ नहीं है, आपको नहीं मालूम, तो आपने क्या काम करना है, इसको जो है इसके फ़र्ज़ करें इशारा यहाँ पर है, जब किसी के पास पॉइंट नहीं होगा तो वो पॉइंट एंड पे है, आप 2 से पहले एक पॉइंट दे देंगे, यानी यहाँ से पॉइंट को मूव किया है आपने, 2 के बाद आपने लेफ्ट साइड के ऊपर मूव किया है। जब लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो जितनी बार मूव करेंगे 10 की पावर उतनी बार आएगा, एक बार मूव किया है तो 10 की ताकत 1 आएगा और 10 की ताकत -7 ग्राम। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 10 की ताकत 1 नहीं है, अब 1 लिखे या नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब आपने क्या काम करना है, 5.2 रिजर्व, फिर से बेस एक जैसे है, ताकतें मुख्तलिफ हैं, तो 10 को एक दफ़ा लिखेंगे, 1 - 7। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 5.2 × 10⁻¹ ग्राम। ठीक है जी, अब आपके जहन में फौरन आ जाएगा कि 10⁻¹ तो मुझे मालूम है क्या होता है, 10⁻¹ होता है आपके पास माइक्रो के बराबर, और माइक्रो को आप लिखते हैं म्यू की फॉर्म में। ठीक है, यू में से थोड़े से लाइन को पीछे कर दें तो ये म्यू बन जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 5.2 μg। ठीक है, म्यू जी, तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था आपके पास, या न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ सकता है। डी पार्ट में आपके पास क्या है, 2 × 5 × 10⁻¹ s। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। आप सबसे पहले देखेंगे कि 10⁻¹ - 8 के जो आपको है प्रीफिक्स नहीं मालूम, प्रीफिक्सेस आपने याद रखने हैं ज़बानी, 10⁻¹ की प्रीफिक्स नहीं है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर इशारा हो यानी पॉइंट एंड के ऊपर हो तो यहाँ से इस पॉइंट को मूव करने के लिए 2 तक मूव करने के लिए कितने हिंसों से हमने घुमाया है। ठीक है, कितने डिजिट से पहले लगाया है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1 डिजिट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2 डिजिट्स हुए हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट्स के पहले हमने पॉइंट को मूव किया है, तो इसका मतलब है 10⁻², 2 देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। ठीक है, 10⁻², 2 देना पड़ेगा हमें। इसी तरह आपके पास 10⁻²-8 हो जाएगा सेकेंड। अब आप इसी को आसानी से लिखते हैं, और ये साइंटिफिक नोटेशन में भी है आपके पास के पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो फिगर देना चाहिए आपके पास। ठीक है, जो डिजिट है देना चाहिए, तो ये अब बेस एक जैसे हैं 10, तो आप लिख सकते हैं 10⁻²-8 s। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2.25 × 10⁻¹ s। अब -6 आ गया, फिर से आपको जहन में आ जाएगा कि 10⁻²-6 तो आपको मालूम है माइक्रो होता है, माइक्रो का मतलब है म्यू, इसकी फॉर्म सिंबल जो है इसको म्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2.25 μs। तो ये आपके पास आंसर होगा पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 1.2 है, इसमें आपके पास क्वेश्चन है कि प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, आपस में इनका ताल्लुक बताना है, रिलेशनशिप बताना है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए माइक्रो जो है, जिसको उर्दू में माइक्रो या इंग्लिश में कहें तो माइक्रो, आपके पास बराबर होता है 10⁻²-6। ठीक है, ये प्रीफिक्स है। इसी तरह आपके पास नैनो जो होगा, नैनो जो होता है वो बराबर होता है 10⁻²-9, और पीको होगा साथ आपके पास, पीको बराबर होता है आपके पास 10⁻²-12। ठीक है,
तो ये तीनों हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे से किस तरह से ताल्लुक में होते हैं। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि अगर हमारे पास 1000 नैनो हो, ठीक है, वो इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1000 मल्टीप्लाई बाई 10^-9 के, ठीक है। फिर हम इसको लिख सकते हैं, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10^3, क्योंकि 3 0 है तो इसको 10^3 कर सकते हैं, और 10^-9 आप इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है, 10 को एक दफ़ा लिखेंगे, 3 - 9 लिखेंगे, पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं, आपके पास आएगा 10^-6, जो के बराबर होता है आपके पास माइक्रो के, उर्दू में लिखो या इंग्लिश में लिखो, 1 माइक्रो हो जाएगा ये आपके पास। इसका मतलब है आपका जो 1000 नैनो होगा वो 1 माइक्रो के बराबर होगा, ठीक है, माइक्रो और नैनो के दरमियान में आपके पास रिलेशनशिप आ गया। इसी तरह हम पिको और नैनो के दरमियान करते हैं, तो आपने देखना है 1000 पिको जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1000 लिखेंगे, पिको का मतलब होता है 10^-12, आप लिखेंगे 10^3, और ये हो जाएगा 10^-12। फिर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा वही अमल होगा, 10 एक दफ़ा, 3 - 12, फिर हम क्या काम करते हैं, 10^-9, इसको हम लिख सकते हैं 1 नैनो। इसका मतलब है आपके पास 1000 पिको जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे 1 नैनो के। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.2 था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1.3, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है आपके पास और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें हर साल तकरीबन आता है। इस बार जो है स्मार्ट सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके पास वैसे होगा तो ये नेक्स्ट जो आने वाले सेशंस होंगे उनके लिए है कि आपके बाल बढ़ने की, बाल जो है 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से बढ़ते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बाल की लंबाई या लेंथ, उर्दू मीडियम में मैं लिख रहा हूँ, आप जो है इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे, एल बराबर होता है 1 मिलीमीटर, हमने इसको मीटर में चेंज कर देना है। मीटर में कैसे चेंज करेंगे, याद रखें मिलीमीटर छोटी कीमत होती है, मीटर बड़ी कीमत है, तो मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपने क्या काम करना है, डिवाइड कर देना है 1000 से, क्योंकि 1 मीटर जो होगा वो बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के, ठीक है। तो जब मिलीमीटर में जाएंगे तो तकसीम करेंगे हम, ये मीटर में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 0.001, आप कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। ये आपके पास लेंथ है और वक्त जो दिया होगा, टाइम उसको टी से शो करते हैं, वो दिया हुआ है रोज़ाना, मतलब 24 घंटे, 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे, इसको हमने सेकंड में चेंज करना है। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो जब सेकंड में चेंज करेंगे, घंटा बड़ा है और सेकंड जो है छोटा सा यूनिट है, तो 24 × 3600 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, जो हम कैलकुलेट करें तो 8600 सेकेंड्स हो जाते हैं। अब ये बाल की लंबाई है और ये इसके रोज़ाना के वक्त है, तो हमने बढ़ने की शरह देखनी है, बाल बढ़ने की शरह, बढ़ने की शरह मतलब रेट ऑफ चेंज, तो वो क्या होगा, लंबाई बटे वक्त, और लंबाई बटे वक्त के टाइम को ज़ाहिर करता है, कितनी है, 0.001 डिवाइडेड बाई 86400। अगर हम डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 1.157 × 10^-8। आप बढ़ने की शरह है लंबाई मीटर सेकंड, मीटर फी सेकंड, ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि आंसर आपके पास होना चाहिए वो नैनोमीटर फी सेकंड होना चाहिए। अब नैनोमीटर फी सेकंड बनाने के लिए आपके क्या काम करना है, इसको 10^-9 बनाना है। 10^-9 कैसे बनेगा, हमें 1 10 की ताकत -1 जो है वो आपके पास ज़र्ब करना होगा,
तो हम क्या काम करते हैं, इस जो है पॉइंट को हम एक राइट साइड के ऊपर मूव करा देते हैं। उम्मीद है आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा होगा। जब आप पॉइंट को राइट साइड के ऊपर मूव कराते हैं, एक बार करेंगे तो आपके पास 10^-9 ए माइनस एक आएगा। ठीक है, जब एक बार मूव हरकत देते हैं एक दफ़ा दाएं तरफ, तो आपके पास 10^-1 आएगा और 10^-9 मीटर फी सेकेंड। अब हम इसको लिख सकते हैं 11.57 10^-1 एंड -8 कितना होता है आपके पास, ये बन जाता है आपके पास 11.57 10^-9 मीटर फी सेकेंड। तो हम मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये आपके पास बन गया 11.57 10^-9, आंसर है मीटर फी सेकेंड में। आपको मालूम है 10^-9 किसके बराबर होता है, 1 नैनो के। नैनो किसके बराबर होता है, 1 N के, या N से जाहिर करते हैं स्मॉल N से, तो आप लिख सकते हैं 11.57 इसकी जगह आ जाएगा N नैनो नैनोमीटर फी सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है कि हमने लंबाई लेनी है, वक्त लेना है, तकसीम करना है। अगर आपके पास नैनो नहीं बन रहा तो एक बार पॉइंट को मूव करेंगे, 10^-9 हो जाएगा, वहीं पर आपने आंसर लगा देना है, तो आपके पास ये फुल आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके पास 3 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं 3 क्वेश्चंस करता हूँ, वीडियो लेंथी हो रही है,